शुक्रवार को भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज ने जिगर कॉलोनी स्थित छतरी वाले पार्क में मणिपुर की घटना को लेकर एक शांति यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें मणिपुर के अहिंसा को लेकर शांति के लिए हवन में आहुति दी गई और भगवान वाल्मीकि से प्रार्थना की गई। कहा कि मणिपुर घटना को लेकर संगठन के लोग बहुत दुखी हैं। इस मौके पर भावदस के मुख्य संचालक लल्ला बाबू द्रविड़ ने कहा कि मणिपुर में जो घटना महिलाओं के साथ हुई है उसने पूरे भारतवर्ष को शर्मसार किया है और मानवता पर बदनुमा दाग है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार दोषियों पर कड़ी कार्यवाही करे, ऐसे दरिंदों को सजा देने का काम करे। हमारे हिंदुस्तान में महिलाओं को देवी कहा जाता है, इन महिलाओं का अपमान करने वाले दरिंदों पर भगवान वाल्मीकि जी कहर ढाएंगे। इस मौके पर भारतवर्ष में शांति के लिए आहुति दी गई और प्रार्थना की गई, जिससे दूसरी जगह पर ऐसी घटना ना हो। इस दौरान महिपाल सिंह, विक्की बादशाह, सुनील, विशाल द्रविड़, सचिन आदि शामिल रहे। जी, क्या नाम आपका? मुझे करमवीर लल्ला बाबू द्रविड़ कहते हैं। ये मणिपुर की घटनाओं को लेकर ये हमने यहाँ यज्ञ किया था, क्योंकि वहाँ शांति पैदा स्थापित हो, शांति रहे, मानव को जो संसार कर दिया है वो नहीं हो, महिलाओं को जहाँ देवी लगता है, महिलाओं के आगे उन्हें नग्न लचाया जा रहा, ऐसी घटनाओं से भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के कार्यकर्ता बहुत आहत हुए हैं। इसीलिए वहाँ हमने शांति के लिए यहाँ यज्ञ किया है और शांति व्यवस्था बनी रहे, पूरे हिंदुस्तान में बनी रहे। और मैं सरकारों से भी ये मांग करूँगा कि वहाँ के जो मुलजिम है उन्हें जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके उन पर मुकदमे चलाए जाएँ, कड़ी से कड़ी कराए सजा दी जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध है। जहाँ देवी लगता हो उन देवियों को आप नगर नचा रहे हैं, इससे बुरा अपराध नहीं होगा हिंदुस्तान में। देखिए, सरकार वहाँ के मुख्यमंत्री तो नाकामयाब हैं, क्योंकि झगड़ा इतना पूरे प्रांत में इतना हुआ है कि शायद वहाँ का जो वीडियो देखे जा रहे हैं बहुत ही शर्मसार होने वाले। तो मैं यो मोदी जी से निवेदन करूँगा कि वहाँ के अपराधियों को जल्दी गिरफ्तार करके उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दें। कम से कम 150 आदमी यहाँ देखो वाल्मीकि समाज के लोगों ने अमन में आहुति दिए और पास पड़ोस के सभी लोग थे, सरदार भी थे और भी समाज के लोग थे।